उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में ईवीएम की खराबी की शिकायत के चलते जनपद के 8 केंद्रों पर पुनः मतदान हुआ, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान स्थल पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। आपको बता दें, बीती 29 अप्रैल को हुए चौथे चरण के मतदान में ज्यादातर मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन खराब रही, जिसके चलते घंटों मतदान बाधित रहा। लोकसभा चुनावों में भाजपा और गठबंधन के प्रत्याशियों ने ईवीएम खराब होने की शिकायत चुनाव आयोग को दी थी। पार्टी प्रत्याशियों का आरोप था कि ईवीएम घंटों खराब होने के बावजूद काफी देर तक मशीन नहीं बदली गई, जिसके कारण लाखों मतदाता मतदान केंद्र से ही वंचित रह गए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जनपद शाहजहांपुर में 8 केंद्रों पर पुनः मतदान कराने का फैसला लिया, जिसके चलते कल दोबारा मतदान होगा। मैं दिवाकर सिंह और पंकज भैया एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी से दधौल विधानसभा का संयोजक हूँ। आज दधौल विधानसभा में 3 बूथों पे पुनर्मतदान चल रहा है। 140 बूथ संख्या नगला बनवारी, 255 बूथ संख्या रामखेड़ा, 371 बूथ संख्या कटिया रजब। तीनों बूथों की स्थिति ये है कि बहुत अच्छे से मतदान चल रहा है, लोगों की सुबह से कतारें लगी हैं। मैं तीनों बूथों पे गया, तीनों बूथों पे मुझे मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और बढ़ चढ़ के मतदान हो रहा है। इन तीनों बूथों की जानकारी मुझे ये है कि इन तीनों बूथों पे मैं पहले भी 29 तारीख को गया था, यहाँ पर वीवीपैट मशीन खराब होने के कारण मतदान बाधित रहा और अंत समय तक नहीं हो पाया। इसलिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया, तीन बूथों पर पुनर्मतदान होना चाहिए, और जिला प्रशासन ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए हमारी स्थिति से चुनाव आयोग को अवगत कराया, और जिस कारण से पुनर्मतदान आज 6 तारीख को हो रहा है और ठीक मात्रा में वोट पड़ रहा है। मेरे ख्याल से जो मुझे जानकारी है कि शाम तक कुल मतदान का 60 से 65% रहने वाला है, ऐसा उत्साह मतदाताओं में आज देखने को मिला।